हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में जिंगर बर्गर। तो हम सब आपको मीन्स सब कुछ करके घर में ही दिखाएंगे। बाहर जैसे जिंगर बर्गर हम घर में ही आपको बनाना सिखाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, आ जाएँ। मैं किचन में वैसे आ चुकी हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ। देखिए वाली गर्म हो गया, ठीक। बाकी मैं सब कुछ आपको करके दिखाती हूँ साथ साथ, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। आज हम आपको जिंगर बर्गर का बनाना सिखाएंगे, घर पर कैसे जिंगर बर्गर बनाया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे लहसुन अदरक, उसका थोड़ा पेस्ट लेंगे, रेड चिली लेंगे, काली मिर्च, नमक हसबे जायका, खुश्क धनिया, ज़ीरा और ये चिली फ्लेक्स बीज वाली मिर्च, इन सब को हमने चिकन में डालना है और अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। ये हमने मैरिनेट किया हुआ है, तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे अपने रखना है। और इसके अंदर हमने विनीगर डाला है, सिरका, ठीक है। ब्राउन बर्गर बन ये भी, हाँ जी, ये हमारे पास बर्गर के बन हैं। ये 60 या 70 रुपीज़ के मिलते हैं, 4 इसमें होते हैं, ठीक है। वैसे देखें आप, एक 150 का बर्गर है, लेकिन आपको अगर 250 में 4-5 घर में मिल जाएँ तो कितने मज़े की बात है। अभी ये देखें, हमने उसके लिए जो मसाला तैयार करना था, सेम जो चीज़ें हमने इस चिकन में डाली मैरिनेट करने के लिए, वही हमने ये सारी मैदे में डालनी है। मैदा लेना है, हमने 1 कप मैदे का लिया है, इससे आपके 4 बर्गर ईजीली बन जाएंगे। ये हमने सारा कुछ इसमें डालना है। बाज़ार से आपको कोई भी मसाला लाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाज़ार से इतने महंगे महंगे मसालों से बेहतर है कि सबसे बेस्ट ये है कि आप मैदे को लें। असल इसकी रेसिपी यही है। चलो ये देखिए, अभी हम इसको अच्छे तरीके से हम इसको ये देखिए, अभी इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स इस तरीके से करना चाहिए कि इसके अंदर किसी किस्म की गुठली ना रहे, ठीक है। हमने इसको अच्छा स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाना है। ये देखिए, फाइन बड़ा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। ये हमारे सारा कुछ इसकी चीज़ों के लिए रेडी है। अभी हम इसमें चिकन के जो पीसीज हमारे पास, वो हम इसमें करेंगे डिप और फ्राई करेंगे। गाइस ये देखें, ये भी इसको ये जो हमने पेस्ट तैयार किया उसके अंदर इसको हमने अच्छी तरह से इसको डिप करना है। ये देख लें, हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हमारे पास ड्राई है, थोड़ा मैदा ड्राई है, उसके अंदर हमें इसको अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि ये क्रिस्पी अच्छे तरीके से हो जाए। अभी हम इसको घी के अंदर डालेंगे, अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर तक जो ना चिकन फ्राई हो जाए, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तेज़ आंच नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम फ्लो इसको करना है। ये देखें गाइस, इसका कलर देखें आप, ऐसा ऐसा ये गोल्डन होना शुरू हो चुका है। आपने ये कोशिश करनी कि जितना कम फ्लेम पे इसको करेंगे उतना अच्छा ये फ्राई होगा, क्योंकि ऊपर से तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। कोशिश ये करें कि इसकी जो आँच है वो कम होनी चाहिए, अंदर से गला भी हो। ये भी हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। हम इसकी तैयारी करते हैं। अभी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, हम वो उनको
इनकी फिटिंग करेंगे और हम इसको खूबसूरत सी जिंगर बर्गर की एक शेप देंगे। ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त लंच भी है। सबसे पहले हमने केचप की लेयर्स बनाई, उसके बाद बंद गोभी और टमाटो हमने रखे हैं। अभी ये जिंगर हमने रखा, इसके ऊपर आपने मायनीज डालनी है। ये तो बच्चों की और बड़ों की सबकी फेवरेट है। और ये देखें गाइस, ये हमारा खूबसूरत सा जिंगर बर्गर तैयार है। आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं, बहुत कम प्राइस में बहुत जबरदस्त और घर की साफ सुथरी चीज आपके पास। कहीं से भी आपको होममेड नहीं लग रहा होगा रेडीमेड, लेकिन घर की साफ सफाई चीजों से, साफ सुथरी चीजों से ये तैयार किया गया। ओके गाइस, तो आज की वीडियो आप सबने देख ही ली होगी, ये था हमारा लास्ट। ठीक है जी, हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई, तो आप सब भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में ख्याल रखिएगा, याद करिएगा सॉरी, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।